वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने आप इतना सुंदर सा प्लांट ये देख रहे हैं, जिप्सोफिला इस प्लांट का नाम है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे आपको इसकी केयर करनी है और कैसे आपको इसमें सनलाइट, पानी वगैरह सब कुछ कैसे आप इसका कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये कॉर्नेशन और डायंथस फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि डायंथस के भी फ्लावर देखिए छोटे छोटे होते हैं और इसके भी, तो उन्हीं फैमिली से ये भी प्लांट है। तो ये जो प्लांट होता है बहुत आसानी से नर्सरी में नहीं मिलता है, ज़्यादातर मिलता ही नहीं है ये प्लांट नर्सरी में। तो मुझे भी ये प्लांट गिफ्ट में मिला है। ये प्लांट ज़्यादातर बुके वगैरह जहाँ से हम लेते हैं वहाँ से मिलता है। तो बुके के साथ जैसे फूलों के गुलदस्ते बनाते हैं गुलाब वगैरह के, उन्हीं के साथ ये प्लांट मिलता है। तो मुझे भी ये प्लांट गिफ्ट में ही मिला है, बहुत सुंदर और प्यारा प्लांट है। तो इस प्लांट की सनलाइट की बात करें तो आप इसे पूरा दिन की अच्छी सनलाइट में रखिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की। तो बहुत सुंदर प्लांट है, जितनी अच्छी इस पर सनलाइट पड़ती है उतने ही ये फ्लावर करता है। तो छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इसके, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं वाइट कलर के। पूरा दिन की सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। तो इस प्लांट में पानी बिल्कुल बहुत कम चाहिए होता है, बहुत ही कम चाहिए होता है इसमें पानी। तो अभी मैंने इसे पानी में नहीं रखा हुआ है, सॉरी, अभी मैंने इसे सोइल में नहीं रखा हुआ है। फ़िलहाल जैसे हमें ये बुके में मिला है तो मैंने इसे देखी इस तरीके से कांच के पॉट में पानी में रखा हुआ है। तो तब मुझे लगेंगे कि इसकी रूट्स निकल गई हैं। अभी मैं इसे 5 से 6 दिन में इसी पॉट में रखने वाली हूँ। और इसमें मैंने देखी ये कलर्ड जो कि पत्थर आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में, वही डाले हुए हैं। तो अभी हम इसे 5 से 6 दिन, 1 वीक भी हो सकता है, तो तब तक हमें नहीं लगता कि इसकी रूट्स नहीं निकली हैं, तब तक हम इस प्लांट को इसी में ही रखेंगे पानी में। उसके बाद हम इसे सोइल में रखेंगे। तो सोइल जो हमें इसके लिए लेनी होती है, सोइल इसके लिए हम तैयार करेंगे वेल ड्रेन सोइल, क्योंकि इस प्लांट में पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पानी से इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं। तो अभी तो ये पानी में है क्योंकि बुके के तौर पे है, लेकिन जब हम इसे मिट्टी में लगाएंगे उस टाइम हमें इसमें पानी कम डालना है। तो आपको इसे कम से कम 2 से 3 दिन बीच में गैप देके तब आपको इसमें पानी डालना है। तो तब हम इसकी सोइल तैयार करेंगे, वेल ड्रेन सोइल हमें इसकी बनानी है। एक हिस्सा हमें आपको इसमें सोइल लेनी है और एक हिस्सा हमें इसमें रेत लेना है, और उसी में हमें वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लेनी है, तब हमें अपने ये प्लांट लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट होता है हमारा, ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसी में ही देखिए इसके बीज बनते हैं, और उन्हीं बीज से हम इसे प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी और बीज से भी। तो इसके बीज में दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए इसके बीज बनते हैं यहाँ पर, तो तब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, तब इसके बीज हमारे काम आएंगे। अभी ये हरे ग्रीन हैं तो अभी नहीं हम इनको ले सकते हैं, लेकिन जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे उस टाइम पर हम इन्हें तोड़ के यहाँ से सोइल में डालेंगे और वहीं से ये ग्रो हो जाएंगे। तो इस प्लांट की जो होती हैं 2-3 वैरायटी आपको मिल जाती हैं, एक ड्वार्फ वैरायटी होती है और एक लॉन्ग वैरायटी होती है। तो इसका जो ये प्लांट होता है देखिए इस तरीके से सिंपल एक स्टेम होता है ऐसे। अगर आप इसे एक ऐसे ही अकेले को पॉट में लगाएंगे तो ऐसे ही अकेला अच्छा भी नहीं लगेगा, और बहुत लंबा सा प्लांट इसका हो जाता है, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं इस पर, तो बहुत लंबा सा आपका प्लांट हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, तब आपको लगाना है एक ही पॉट में आप इसके कम से कम 4 से 5 प्लांट लगाइए, तब आपका पॉट ज़्यादा भरा भरा सा बहुत अच्छा लगेगा।
तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें खाद डालने की। खाद की रिक्वायरमेंट भी इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, सिर्फ 15 से 20 दिन में आप इसमें लिक्विड बना के डालते रहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ गोबर की खाद से ही ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। गोबर की खाद ही आप पानी में घोल के 15 दिन में एक बार इसमें डालते रहिए, उसी से ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो क्यारी में अगर आप इसे लगाना चाहते हैं क्यारियों में, तो वहाँ पर भी आप इसके प्लांट को एक नहीं बहुत सारे एक साथ लगाइए और दूसरे प्लांट के साथ, तब ये बहुत सुंदर लगता है। एक इसका येलो येलो सा कलर भी आता है, बिल्कुल छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं इनके, वो भी बहुत सुंदर है। तो अभी मैंने देखी, मुझे बहुत प्यारा लगा ये प्लांट, बहुत ही सुंदर मुझे गिफ्ट मिला है ये। और अभी मैंने इसमें पानी में रखा हुआ है ऐसे। तो ये प्लांट तो नर्सरी में तो बिल्कुल मिलता नहीं है, लेकिन मुझे मिला है ये। तो अब हम इसे सोइल में ग्रो कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास ये प्लांट तैयार हो जाएगा। और अभी गर्मियों में बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है किसी भी कटिंग या सीड्स वगैरह को ग्रो करने का। हम कुछ भी सीड्स या कटिंग्स वगैरह ग्रो करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। तो मैं भी इसे ग्रो करूँगी प्लांट को, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैंने इसे पानी में रखा हुआ है। तब इसमें से रूट्स निकलने लगेंगी, तब इसे सोइल में हम इसे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्लांट ज़रूर पसंद आया हो, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।